प्रॉम जल्द ही आ रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। निकी यहाँ आओ, हम प्रॉम में जा रहे हैं, मुझे ड्रेस पहनने और रात भर डांस करने का इंतजार नहीं हो रहा। ओह हाँ, मैं कब से हाई स्कूल में इसी का इंतजार कर रही थी, प्रॉम का। और लगता है एलिस के पास पहले से पार्टनर है, वो इसके साथ प्रॉम में जाएगी। हम बाद में बात करेंगे, मैं अभी वापस आती हूँ। खुश हो जाओ निकी, तुम्हें भी बॉल में जाने के लिए पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन एलिस ये मुश्किल काम संभाल लेगी। और बुक्स नहीं बेचती, फैशन मैगजीन तुम्हारी मदद करेगी और हम तुम्हारे ग्लासेस ट्रेंडी ग्लासेस से बदल देंगे। लेकिन हम पिंपल्स का क्या करें? चलो ग्लिटर इस्तेमाल करते हैं। ये फेरी गॉड मदर ने अपना काम पूरा कर दिया। और चलो अब तुम्हारा पार्टनर ढूंढने चलते हैं। ये रहे पहले शिकार, उन्हें नहीं पता कि उनका शिकार होने वाला है। एलिस क्या बोल रही है, मुझे बस वहाँ खड़ा होना है और मुस्कुराना है। चलो भी दोस्त, तुम ये कर सकती हो। कैसे हो लड़के? वाह, ये काम कर गया, वो इंटरेस्टेड लग रही है। ये पहली नजर का प्यार है। हेलो, हे, तुम कहाँ जा रही हो? लड़के इंटरेस्टेड थे, है ना? फ्री में हॉट डॉग कौन नहीं खाना चाहेगा, ये प्रॉम से ज्यादा मजेदार है। उदास मत हो बेस्टी, उन्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हारे सही पार्टनर को ढूंढने के अभी बहुत सारे मौके हैं। लेकिन अभी कुछ और ज्यादा जरूरी है। मिस एशली एक और टेस्ट ले रही है, चलो करें। लेकिन कुछ लोगों को ए मिलने का कोई चांस नहीं है, हमें इसका फायदा उठाना है। मेरे पास एक आइडिया है, निकी डिलन की मदद करो, बस उसे सही जवाब बताकर फंसा लो। ये बढ़िया आइडिया है, चलो ये करते हैं। हे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ये रहे सारे जवाब। तो ये बात है, ऐसा सोचना भी मत निकी, तुम्हारे साथ प्रॉम में जाने से अच्छा है कि मैं फेल हो जाऊँ। प्लान काम नहीं आया और मिस एशली उसका टेस्ट देख रही है। प्रॉम से ज्यादा मैथ जरूरी है। डिटेंशन, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही? आ रही है, सच में आ रही है, तुम ऐसा करके प्यार नहीं पा सकती। ये बहुत गलत है, मुझे रायन के साथ सजा काटनी होगी, वो बहुत खराब है। तुम ऐसा कब तक करोगे रायन? क्या वो बात कर सकता है या बस उसे मारना आता है? बेस्टी गुस्सा मत हो, रायन के साथ प्रॉम जाना कैसा रहेगा? उस बदमाश के साथ बिल्कुल नहीं। निकी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, बाकी सारे अच्छे लड़के दूसरों के साथ जा रही है, वो सही बोल रही है, या तो अभी या कभी नहीं। रायन तुम मेरे साथ प्रॉम में चलोगे? बिल्कुल नहीं। निकी को मना करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज हार मत मानो बेस्टी, रायन ये कैसे रहेगी? क्या तुम मेरे साथ प्रॉम में चलोगे? वो मान गया, गम चबाना मजेदार होता है स्कूल प्रॉम में भी। मिशन पूरा हुआ, निकी बहुत खुश है। नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें कुछ शानदार दिखाता हूँ बेब। ऐसा मत करो, ये किसी और का स्केटबोर्ड है। लेकिन वो नहीं रुकेगा, वो बहुत बुरा है। और अचानक वो गिर गया, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है लड़के। तुमसे कुछ सालों बाद मिलता हूँ बेबी। ओह नहीं, आखिर फिर से प्लान फेल हो गया, अब हमें रायन को भूलना होगा। लेकिन आज बात बन जानी चाहिए। रुको, निकी इतनी खुश क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई पार्टनर मिल गया? मुझे बताओ क्या हुआ है बेस्टी? एलिस एक खुशखबरी है, प्रॉम में जाने के लिए मुझे पार्टनर मिल गया। डेनिस से मिलो, ये पांचवी क्लास में है, लेकिन परेशान मत हो, ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। ओह, निकी का कुछ नहीं हो सकता, इसे देखो तो, ये तुम्हारा पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकता। तुम सही बोल रही हो एलिस। डेनिस तुम जा सकते हो, अपनी मॉम के पास जाओ, रो मत, ठीक है? जाओ बच्चे, क्या उसे प्रॉम में अकेले जाना पड़ेगा? अगर हमें आसपास असली प्रिंस नहीं मिला तो हमें नकली खरीदना पड़ेगा। रोबोट बॉयफ्रेंड से मिलिए।
लग तो ठीक रहा है, इसे चालू करो। हेलो मेरी प्रिंसेस, ये बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। इससे डांस करवाओ। वाह, ये डांस फ्लोर पर धूम मचा देगा। मुझे जानना है इसमें कितने डांस मूड्स हैं। चलो सब टेस्ट करते हैं। तुम इस रोबोट से बोर नहीं होगी, ये हर लड़की का सपना है। ये वॉल्स डांस भी कर सकता है। क्या बात है, शायद ये कुछ और भी कर सकता हो। चलो देखें। लेकिन मैं कहाँ दबाऊं? ओह नहीं, रोबोट खराब हो गया। हे, तुम ठीक हो? मुझे लगता है ये खराब हो गया। रोबोट्स बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने बहुत कुछ देख लिया है। हमारे कैंडिडेट खत्म हो रहे हैं। मेरे पीछे आओ निकी, हमें काम करना है। वाह, ये क्यूट है। आज हम सीखेंगे फ्लर्टिंग करने की शुरुआत कैसे की जाती है। मुझे इसके साथ प्रॉम में जाना है। स्माइल, अब चलो चलें। एलिस को तुम पक्का पसंद आओगे। कार्डबोर्ड वाले लड़के के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चुप और खुश है। मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया है। ये कितना क्यूट है ना? हद हो गई है, निकी पागल हो गई है। लेकिन एलिस उसे बचा लेगी। इस हैंडसम आदमी को वापस रखो, इसके पास कार्डबोर्ड वाली गर्लफ्रेंड है, उसे शायद जलन होगी। मुझे अपना प्रिंस वापस चाहिए। लेडीज शांत हो जाओ, ये कैफे की प्रॉपर्टी है, तो टिमोथी यही रहेगा। इसे छुओ मत। ओप्स, ये अजीब है। एलिस, लगता है मैंने प्रेस चालू छोड़ दी है। चलो चले। माफ करना, कार्डबोर्ड वाले लड़के प्रोम में नहीं जाते। अब कुछ बड़ा करने का समय है। निकी, हम तुम्हारे पार्टनर के लिए ऑडिशन करेंगे। ये बड़ी बात है, हमने इसी के लिए पोस्टर्स लगाए हैं। तो चलो ऑडिशन शुरू करते हैं। लड़कों, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हे, सब कहाँ है? लड़के कहाँ चले गए हैं? वो दूसरों के साथ जा रहे होंगे, ये शर्मनाक है। निकी ने बहुत मेहनत की है। सोने का समय है, यहाँ ऑडिशन हो रही है। ये सच में हो रहा है, आखिरकार उनकी किस्मत खुल गई। ओह नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम क्या कर रही हो? बाहर जाओ और अपने पेपर्स भी लेकर जाओ। जी सर, हम जा रहे हैं। ये ऑडिशंस पूरी तरह नाकाम रहे। हमें ये फ्लायर्स और ब्राइड बनाने चाहिए थे। ये सब इनकी गलती है। लेकिन प्यार कभी भी हो जाता है। निकी अपना प्रिंस ढूंढ रही है और उसका क्लासमेट उसके सपने देख रहा है। निकी शानदार है, ये नहीं वो, शायद प्रॉम का इनविटेशन उसे खुश कर देगा। मुझे ये करना होगा। निकी, तुम मेरे साथ प्रॉम में चलोगी? बात बन गई। काश मेरे हाथ ज्यादा ना हिले। प्रॉम में? बिल्कुल, सपने वाकई सच होते हैं। तुम दोनों साथ में प्यारे लग रहे हो। चलो ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी। इतनी मेहनत के बाद उसका प्रिंस मिल ही गया। अब बस उसे सही ड्रेस ढूंढनी है। ये सब बहुत खूबसूरत है, मैं क्या चुनूं? मॉम उसकी मदद करेंगी। लड़ो मत लड़कियों। निकी, मेरे पास एक बढ़िया ड्रेस है, मैंने इसे अपने प्रॉम से बचा कर रखा है। ये क्लासिक है। खैर, ये अच्छी लग रही है, इसे पहन कर देखो। ऐसा मत करो, ऐसी गलती मत करना। लेकिन अब निकी को कोई नहीं रोक सकता। मैं कैसी लग रही हूँ? असली प्रिंसेस की तरह। निकी, शीशे में देखो, इसके बारे में सोचना। एलिस, तुम ज्यादा बोल रही हो। ओह, यहाँ क्या है? मकड़ी का जाल? ओह नहीं, स्पाइडर्स नहीं। मुझे लगता है हमें ये ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तुम सही बोल रही हो निकी, जब तक मॉम आराम कर रही है हम स्टोर में जाते हैं। शहर के सबसे अच्छे स्टोर में आपका स्वागत है। यहाँ हर प्रिंसेस को अपना गाउन मिलता है, चुनना आसान नहीं है। एलिस को कुछ पसंद क्यों नहीं आता है? निकी, वो वाली बेस्ट है। वाह, ये परफेक्ट है। रुको, मुझे लगता है ये फंसी हुई है। क्या हो रहा है? ओह, तीसरी कंटेस्टेंट भी आ गई है। ये ड्रेस बहुत पॉपुलर है। ओह, देखो वहाँ सेल लगी हुई है। लड़कियों रुक जाओ, मैं ये वापस ले रही हूँ। ट्रिक काम कर गई, दुश्मन को ड्रेस मिल गई। वो बहुत बुरा था। कोई बात नहीं, उसे इसका पछतावा होगा। मेरे पास एक प्लान है, देखो और सीखो निकी। हम फिटिंग रूम में ड्रेस बदल देंगे।
क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन सेल्स पर्सन उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। ये अच्छा स्टोर है, अब क्या ख्याल है? बढ़िया डील है लेडीज, तुम जा सकती हो। और दुश्मन को दूसरी ड्रेस ढूंढनी होगी। लड़कों से कैसे बात करते हैं अब ये सीखना है। तुम अंदर आ सकती हो निकी, आज रात के लिए ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके दोस्त किसी वजह से खुश नहीं है। ये सब बहुत बचकाना है। देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड टेडी भी ये करना चाहता है। हाँ बोलो। अच्छा होगा एलिस से बहस मत करो, उसे लेसन सिखाने दो। पहले तुम हेलो बोलना और हंसना। तुम धीरे बोल सकती हो, मैं नोट कर रही हूँ। एलिस की क्लास में चीट शीट मना है, थ्योरी नहीं बस प्रैक्टिस। हमें दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। हाय, कैसा चल रहा है? ओप्स, यहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। हाय, तुम्हें मैथ पसंद है? पढ़ाई की बात नहीं करनी है, फिर शुरू करो। हाय, ये अच्छी जगह है ना? ये बेहतर है। अब दूसरे लेसन पर आते हैं, फ्लर्टिंग। ऐसे समझ गए, ये आसान लगता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये साइंस की तरह है। एलिस ने आई कॉन्टेक्ट के बारे में क्या कहा था? हे भगवान, अब मैं ये कैसे सुलझाऊं? लेकिन दसवीं बार सब चीजें काम कर गई। निकी बढ़िया स्टूडेंट है। और अब सबसे जरूरी चीज, किस। बस घबराना मत निकी, जाओ करो। एलिस ने मुझे सिखाया था कि सब खुद संभाल लेना, हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ आओ हैंडसम। स्टूडेंट ने टीचर को भी पीछे छोड़ दिया। आज प्रॉम है, निकी ने प्रॉम में जाने के लिए बहुत इंतजार किया है। वो प्रॉम क्वीन बनना चाहती है और पक्का वही होगा। हेलो, मैं आ रही हूँ, मुझे माफ करना निकी, मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। ओह नहीं, इस सब का कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी इतनी बुरी क्यों है? मुझे एलिस को कॉल करना होगा। एलिस गड़बड़ हो गई है, वो बीमार है। तुम यकीन कर सकती हो? प्रॉम के बारे में भूल जाओ, मुझे मेरी दोस्त की मदद करने जाना है। हनी, मैं वहाँ जल्दी पहुँचती हूँ, मजे करो, ये बहुत बोरिंग है, यहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ हैं। निकी रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ। तुम छोटी सी पार्टी के लिए तैयार हो? बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती है, अगर तुम चाहती हो तो वो तुम्हारे लिए लड़का भी बन सकती है। बस कुछ अलग सोचो और तुम उसके साथ होगे जो तुम्हें प्यार करता है। चलो मजे करने की।